हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जेपीएससी का मामला फंसता जा रहा है। इस बार जेपीएससी अच्छी फंसी है, लेकिन सबको थैंक यू सबसे पहले कि जिन्होंने मेरे कहने पे विनय सर को कुछ से कांटेक्ट किया और उनको कुछ एविडेंस दिए। देखिए, डायरेक्ट मेरा कोई विनय सर से कांटेक्ट नहीं। आप लोगों में बहुत सबको लगता है कि डायरेक्ट कोई कांटेक्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग के बीच में कोई बात बात होती है, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट के थ्रू ही मेरे पास लिंक आया था, तो पता चला कि सर इनिशिएट कर रहे हैं, और जब इनिशिएट कर रहे हैं तो हमें सपोर्ट करना है। सिंपल सी बात है, कोई भी इनिशिएट करेगा स्टूडेंट के फेवर में तो हम सपोर्ट करेंगे। ऐसा थोड़ी नहीं कि सब जगह एक ही कोई रहेगा, तो ऐसी कुछ बात नहीं है। और अच्छा कर रहे हैं तो हमें यहाँ यूनिटी चाहिए। हमें यहाँ नेता तो बनना नहीं है किसी को, हम लोग टीचर्स हैं, ठीक है, और नेता किसी को बनाना भी नहीं है हमें। तो यहाँ सिंपल सी बात है कि यहाँ कॉपरेट करना, तो वो कर रहे हैं इनिशिएट, तो अच्छी बात है। लेकिन दिक्कत उनको हो रही है, जैसा पता चला है कि पेपर बी जो मेन गड़बड़ी हुई है। दरअसल जेपीएससी फंस कहां रही है, जेपीएससी देखो, जेपीएससी मामला, जेपीएससी का जो फंसा हुआ है वो अब सबसे अधिक फंसेगा पेपर बी में। और चीजों को तो किसी कारण से दाएं बाएं किया जा सकता है, अलग अलग तरीके से, आप समझ रहे होंगे क्या बोलना चाह रहे हैं। लेकिन पेपर बी को कैसे कर देंगे, अगर ये पेपर बी की बात सही है, जहां तक सही इसलिए भी लग रही है कि न्यूज चैनल्स के अंदर भी आ रही है चीजें, और पेपर बी यानी बी सीरीज को लेकर, पेपर बी का मतलब बुकलेट बी, बी सीरीज वाला जो था उसके जहां पे गड़बड़ी हुई है, लाइक 8 क्वेश्चन है जो रिपीटेड हैं, 4 क्वेश्चन मिसिंग हैं। अगर ऐसा है और ये सीरीज लेकर स्टूडेंट कल आयोग में पहुंचे भी थे आयोग वाले से बात करने के लिए, लेकिन आयोग के कोई मेंबर नहीं मिले, देखो बचेंगे कैसे। सिंपल सी बात है, गलती तो हो गई है, हाथ में पेपर आ चुका है, तो और उनको उसी दिन पता चल गया होगा, ये भी गारंटी। हो सकता है उसके पहले नहीं पता होगा, उसके बाद पता चल गया होगा, सेम डे पता चल गया होगा। लेकिन ये कमाल की बात देखिए, अभी तक कोई फ्रंट पे आके गलती एक्सेप्ट नहीं किया। तो गलती एक्सेप्ट नहीं करने का तो अजीब रिवाज है इंडिया के अंदर, इंडिया ही की बात करते, बहुत कम ही लोग होते हैं जो गलती एक्सेप्ट करते हैं। आई एम सॉरी कहना तो बहुत कम ही आता है। खैर, तब भी अब फंस तो गया मामला, अब इससे बचे कैसे आयो, बचना तो पॉसिबल नहीं। बेहतर ये होता कि फ्रंट पे आके वो बता देते हैं कि हाँ हमसे ये गलती हुई है, इसको हम देखेंगे, जैसे भी जो भी है वो हम नहीं जानते। लेकिन अब देखो कि रिजल्ट आएगा कैसे, अगर बी सीरीज की बात सही है, जो कि सही है, तो रिजल्ट आएगा कैसे, क्या बी सीरीज वाले को अलग करके रिजल्ट जारी किया जाएगा। बी सीरीज में भी गड़बड़ी है कि 2 सेट है, सुनने में आ रहा है कि 1 सेट के अंदर प्रॉपर सब कुछ है, 1 सेट में गड़बड़ी है, तो क्या बी सीरीज में भी सेट को अलग किया जाएगा, या क्या बी सीरीज के जो क्वेश्चन बुकलेट तो सब जगह गए होंगे, उस पर्टिकुलर सेट का बुकलेट जहां गया होगा वहां क्या एग्जाम कैंसिल होगा, मतलब क्या होगा कोई नहीं जानता ना। लेकिन आयोग को तो पता है क्या होगा, आयोग को तो पता उनसे गलती हुई है, कहां कहां ये बुकलेट सीरीज बटा है ये तो उनको पता होगा, ये तो डाटा उनके पास है। तब ये जो गलतियां हुई है इस पे फ्रंट पे आके कौन बोलेगा, क्या कोई टीचर बोलेगा, कोई लीडर बोलेंगे, कोई स्टूडेंट बोलेगा, या आयोग के मेंबर बोलेंगे, जो अथॉरिटी रखते हैं वही बोलेंगे ना, लेकिन बोल तो नहीं रहे। अब जब केस फाइल हुआ है तो उसमें विनय सर का ये है कि बी सीरीज नहीं मिल रहा मुझे, बी सीरीज को लेकर जो बातें चल रही है उसको लेकर कोई हमारे पास साक्ष्य उस तरह के नहीं आए हैं, कोई शपथ पत्र नहीं आया है। दरअसल कोर्ट तो उसी पे चलती है कि कोई स्टूडेंट बोले कि नहीं हमारे साथ ऐसा हुआ है, ताकि फिर उनके उनकी गवाही ली जाए। देखो, डरने की जरूरत नहीं है, ये कोई आपने कोई क्राइम थोड़ी किया है, बिहार टीचर वाले स्टूडेंट वाला हरकत थोड़ी ना किया है। बिहार टीचर के स्टूडेंट ने जो हरकत किया, जेल में बंद है, अभी रो रहे हैं बेचारे, हालत खराब है उनकी। लेकिन आपने तो आप ये तो आपके साथ गलती हुई है, तो आपको डरने की क्या जरूरत है। और ये दिमाग में बहुत बार आता है, आयोग रिकॉर्ड कर लेगी ये वो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा थोड़ी ना होता है। आयोग रिकॉर्ड कर ले, इतना छुट्टी आयोग को, जो आपके आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसके अकॉर्डिंग आप बात कर रहे हो, तो कोई इशू है ही नहीं ना, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये चीजें देखो, जब मामला कोर्ट में जाता है तो अक्सर कोर्ट जो एविडेंस होता है उसी पे, एविडेंस पे उनका सब कुछ होता है। अब एविडेंस हम लोग सही नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, सब सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो एविडेंस से जो भी सपोर्ट कर सकते हैं वो सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपको पता है गलतियां हुई है, गड़बड़ियां हुई है, इससे तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता ना, कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो जो गड़बड़ी हुई है उसके अगेंस्ट में जो खड़े हैं उनको कौन हिम्मत देगा या कौन उनको मजबूत करेगा, तो स्टूडेंट ही करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट ही के पास सारे प्रूफ हैं। तो स्टूडेंट जो हम लोगों से बन पड़ रहा है वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन आपके पास जो प्रूफ है वो कॉपरेट करेंगे ना आप, तभी तो हो पाएगा ना, क्योंकि कौन गवाही देगा, हम या वो, कोई नहीं आएगा। तो फाइनली आप ही को आना होगा फ्रंट पे, और आप ही बताओगे कि हमारे साथ ये गलती हुई है, वो गलती हुई, वो डॉक्यूमेंट्स के लेवल पे जमा करके चीजों को दिया जा सकता है ना। अदरवाइज तो जो कुछ बोलना है या किसी का स्टेटमेंट आएगा वो तो स्टूडेंट्स का ही होगा।
तो जेपीएससी ने बी सीरीज में इतनी गलती की है कि वो रिजल्ट निकालेंगे कैसे, मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा। आप में से किसी को लग रहा है कि रिजल्ट आएगा कैसे, कैसे प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, एक बार सोचो ना, मतलब किस किस ग्राउंड पर रिजल्ट आएगा। मुझे तो अब यही समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये एग्जाम कैंसिल नहीं कर रहे हैं तो रिजल्ट देंगे कैसे। ये अब असली पेच फंस गया है, और चूंकि ये मुद्दा उछल गया है तो अब आयोग को भी पसीने आ रहे होंगे कि इसका जवाब दे कैसे। नहीं कहते कभी सांप छिछुंदर वाला हाल हो जाता है, निकले कैसे और छोड़े कैसे। तो यही कुछ स्थिति हो गई है कि अब करे क्या, क्योंकि मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है, धीरे धीरे मामला और तुल पकड़ रहा है। जैसे हाईकोर्ट में मामला पहुंचा तो फिर दिक्कत होनी तो शुरू होगी। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, लेकिन कोशिश करते रहना है। और बाकी पढ़ाई चलती रहेगी, ऐसा नहीं कि पढ़ाई को छोड़ना है, पढ़ाई हमारी चलती रहेगी, क्लासेस चलती रहेंगी, सब कुछ वो होता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।